नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर चीन ने जताई सहमति, लेकिन एनएसजी के सदस्यता और आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर अड़िग। पीएम मोदी ने भारत और चीन का उदय दोनों देशों के लिए बताया था अभूतपूर्व अवसर। प्रशांत महासागर में बनेगा दुनिया का पहला तैरता शहर। 1135 करोड़ रुपए की लागत वाले इस शहर का नक्शा बनाने में लगे 5 साल। फ्रांस 2019 से शुरू करेगा शहर का निर्माण। दुनिया के 30 सबसे डायनेमिक शहरों में भारत के 6 शहरों ने बनाई जगह। बेंगलुरु समेत हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई को मिली जगह। तेजी से बढ़ती आबादी को समाहित करने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के आधार पर चुने गए शहर। सीरिया के ललबाब इलाके में रूस और तुर्की ने एक साथ मिलकर किए हवाई हमले। इस्लामिक स्टेट के 38 ठिकानों को बनाया निशाना। इस अभियान में रूसी वायुसेना के 9 युद्ध विमान और तुर्की के 8 विमानों ने लिया हिस्सा। मेक्सिको में मोंटेरे के एक निजी स्कूल में छात्र ने चलाई गोलियां, एक शिक्षक और 4 छात्र जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। माली के उत्तरी इलाके में सैनिक बैरकों पर आत्मघाती हमला, 67 लोगों की मौत, कई जख्मी। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और तुर्की में तख्तापलट की कोशिशों के आरोप में 243 सैन्य कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पुलिस ने 54 प्रांतों में गिरफ्तारी अभियान किया शुरू। अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे फेतुल्लाह पर तुर्की में तख्तापलट की साजिश रचने का लगा आरोप। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।